किसानों का चक्का जाम डबली टोल नाका है हनुमानगढ़ के पास। डबली टोल नाके पर किसानों ने चक्का जाम किया हुआ है। आपको ले चलते हैं अंदर, सभा के अंदर संबोधन हो रहा है और आपको बताना चाहेंगे कि कलम न्यूज आपसे लाइव जुड़ेगी। हनुमानगढ़ के डबली टोल नाके पर किसान धरना लगाकर बैठे हैं और आज चक्का जाम भी 12 से 3 बजे तक रन किया है। आइए आपको ले चलते हैं कि किसानों की जो सभा चल रही है उसके अंदर आपको ले चलते हैं। पहले आपको मैं टोल नाका भी दिखा देता हूं कि हनुमानगढ़ के पास डबड़ी का जो टोल नाका है, तस्वीरें यहां से आपको दिखा देते हैं किस प्रकार किसान यहां बैठे हैं। डबड़ी टोल नाके पर किसानों ने चक्का जाम किया हुआ है। ये डबड़ी टोल नाका है हनुमानगढ़ के पास। किसान खत्म हो जाएगा, इस बात को लेकर हम लगातार जमीनी सत्र पर यहाँ धरने प्रदर्शन ट्रैक्टर को घेरने का काम करते रहे। लंबे समय के बाद में किसान गतिबंधियों ने इन बात को समझा और समझने के बाद में इनका जो प्रयास है वो रंग लाया है। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर किसान खास करके आप इस तस्वीरों के अंदर देखेंगे कि महिलाओं की जो संख्या है वो भी काफी तादाद में है। डबली टोल नाके पर महिलाओं की संख्या या वीडियो के अंदर देखें किस प्रकार महिलाएं भी झंडा लेकर यहाँ चक्का जाम को सफल बनाने के लिए आई हुई हैं। सरकार आई थी तो बच्चे बच्चे के जुबान पर मोदी का नाम था। कोई भी राजनीतिक पार्टी चुनाव प्रचार में आई लेकिन लोगों के जुबान पर मोदी का ही नाम था और जिस तरीके से मोदी का नाम चल रहा था आज उसी तरीके से पूरे हिंदुस्तान में इन काले कानूनों को लेकर बच्चे बच्चे की जुबान पर मोदी का नाम है कि मोदी ने बहुत बुरा किया है, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं है। और इस आंदोलन की एक सबसे बड़ी खूबसूरती है कि जो हमारे समाज में, हमारे भाईचारे में, आरएसएस ने, मोदी सरकार ने जिस तरीके से भाई से भाई को लड़ाने का काम किया, हिंदू मुसलमान का काम किया, वो तमाम अतखंडे जो अपनाए, जो जहर हमारे समाज में घोला, इस किसान आंदोलन ने तमाम तबके को, तमाम धर्म को, तमाम जातियों को एक गर्दन पर बिठाने का काम किया है। ये इस आंदोलन की सबसे बड़ी खूबसूरती, हम बधाई देते हैं मोदी को। अगर तुम ये नाम ये काम नहीं करते तो ये एकता, ये भाईचारा कभी कायम नहीं होता, ये समझा है किसान ने। और मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि इस आंदोलन के अंदर तमाम तबका, वो ग्रामीण क्षेत्र का है, चाहे वो किसान है, वो किसी धर्म का है, किसी समाज का है, लेकिन अपनी किसानी के लिए एकता के साथ एकबद्ध होकर इस आंदोलन को लड़ रहा है। और यही सबसे बड़ी बात है कि इसी क्रम में हमारे को जो भी काम किसान मोर्चे ने सौंपे हैं, हम अपनी पूरी ताकत के साथ लोगों के बीच में प्रचार और प्रसार, उनके हर कार्यक्रम को सफल बनाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमें एक बात को समझना पड़ेगा साथियों कि सरकार कई तरह के हथकंडे अपनाती है आंदोलन को तोड़ने का, उसको कमजोर करने का, जो आपके सामने है बीच बीच में उन्होंने प्रयास किए, लेकिन हमारी एक ही बात जो हमारे नेताओं ने कह दी कि या तो कानून वापस लो, संशोधन हमें मंजूर नहीं, या तो जीतेंगे या मरेंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह बात सही है कि हम बड़ी संख्या में बॉर्डरों पर नहीं बैठे, जो लोग वहां बॉर्डर पर गए, अपने परिवार समेत गए, जो वहां अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं सरकार के साथ बॉर्डर पर बैठे हैं, 73 दिन हो गए, और जो लोग ग्रामीण क्षेत्र में यहां बैठे हैं उनको भी उनके अपना हौसला अफजाई करते हुए कंधे से कंधा मिलाकर जो भी जमीनी सत्र
नारे का जवाब पूरी शिद्दत के साथ देंगे। किसान मजदूर एकता चुनाव, जो हिटलर की चाल चलेगा वो कुत्ते की मार बनेगा। धन्यवाद भाई शेर सिंह साक्य। अब मैं निवेदन करूंगा रामेश्वर जी वर्मा से कि वो मंच पे आए और अपनी बात रखें। डबली के पूर्व सरपंच रामेश्वर जी वर्मा। बुजुर्गो, माता और बहनों, नौजवान साथियों, ये जो अपनी जगह है 20 दिसंबर से लगातार यहाँ पर किसान साथी बैठ रहे हैं और बुजुर्ग तो 20-25 यहाँ ऐसे हैं जो ठीक 9 बजे आते हैं, शाम की 6 बजे तक यहाँ रहते हैं। इसी तरह अपने जिले में तमाम जो टोल प्लाजा है उस पे किसान साथी बैठते हैं और सारे टोल फ्री कर रखे हैं। ये जो आंदोलन है ये आजादी के बाद देश का अपनी तरह का सबसे बड़ा आंदोलन है। हालांकि सरकार और मीडिया पहले उसकी कोशिश थी कि इस आंदोलन को सिख बिरादरी तक ही सीमित रखें, फिर उनकी कोशिश हुई कि पंजाब का आंदोलन बनाए, उसके बाद का पंजाब और हरियाणा का है। अब वो ये कह रहे हैं कि ये तो दो सूबों का आंदोलन है। असल में इस आंदोलन के समर्थन में नासिक से चलकर मुंबई तक 50,000 किसान पहुंचे, बंगलौर में, बंगाल में, भोपाल में, आपके पटना में, त्रिपुरा में, जहां जो किसान पहुंचे उनके लाठीचार्ज हुआ है, पानी की बोतलें, पानी के फुहारे, उगलता हुआ पानी उन पे डाला गया। और आप देख रहे हो कि 26 के बाद जो इस आंदोलन को तमाम हमारे देश के मीडिया ने जो केंद्र की सरकार की चाल थी वहां झंडा फहराने का सारा जो कुछ हुआ वो कोई किसानों का कार्यक्रम नहीं था, किसानों की परेड थी, ट्रैक्टरों पे थी और वो एक टेस्ला मालिक पे थी, उसका रूट डायवर्ट किया, रास्ता बदला, वो सरकार ने बदला। सरकार के 500-700 आदमी मां लाल किए गए, उन्होंने झंडा फहराया, वो कह रहे हमने फहराया है, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। कार्रवाई किसानों पे होगी, कार्रवाई का मुख्य निशान सिख रहेंगे, किसान रहेंगे। और उनकी कोशिश थी कि इस आंदोलन को खालिस्तान के नाम पे बदनाम करके, आतंकवादियों के नाम पे बदनाम करके, कम्युनिस्टों के नाम पे बदनाम करके और इस आंदोलन को तोड़ देंगे। पर आप देख रहे हो कि उस आंदोलन के बाद तो 1,00,000 लोगों की, चाहे वो कंडेला में हो, मुजफ्फरनगर में हो, मथुरा में हो, दारोक में हो, और अब तो राजस्थान के अंदर दौसा में, करौली में, अभी 9 तारीख की डूंगरगढ़ में हो रही है, पूरे देश में किसानों की पंचायतें इस बात को लेकर हो रही है कि तीनों कानून जब तक वापस नहीं होंगे हम घर नहीं जाएंगे।
हमने देखा कि अपने देश में अगर कोई गलत होता है तो उसका दुनिया में कहते हैं ये गलत है, सही होता है तो उसकी शाबाशी देते हैं। ये अपने नहीं है, हमारे मोदी जी अमेरिका में जाके वोट मांग के आए थे कि आप ट्रंप को जिताओ। ये बात दूसरी है कि जनता ने मानी नहीं और पूरी तरह उसको हराया। हमारे यहां उनका जो प्रचार है कि किसान जो है वो कानूनों को समझ नहीं रहे, कुछ लोग किसानों को बहका करके ये आंदोलन करवा रहे हैं। पंजाब हमसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, हरियाणा और पंजाब में खेती हमसे पहले आई है, खेती की तकनीक वहां नहीं है, जो नई नई तकनीक आती है सबसे पहले वहां आती है। उन्होंने इन कानूनों को पढ़ा और पढ़ के ये कहा कि ये कानून नहीं हमारी मौत का फरमान है, हम हमारी नस्ल को, हम हमारी फसल को, हम हमारी खेती को, हम हमारी जमीन को बचाने के लिए मरते दम तक लड़ेंगे। और ये जो कुछ हुआ पूरे देश के अंदर, आप समझ सकते हो कि 90-90 साल के बुजुर्ग, हमारी बच्चियां, हमारी माताएं, हमारी बहनें, 170 से ज्यादा बुजुर्ग और नौजवान शहीद हो चुके हैं, क्या किसी के बहकाने में, किसी के बरगलाने में ऐसा हो सकता है क्या? पर वो कह रहे हैं जी कोई बात नहीं। अभी देश के किसान दिल्ली में नहीं चला जाए, आसपास के गांव के लोग दिल्ली में नहीं चले जाए, उनके लिए दीवारें बना रहे, सड़क पक्की सीमेंटेड, उसमें सरिया डाल के आरसीसी की, वहां गड्ढे खोदे जा रहे हैं, सड़कें खोदी जा रही हैं, वहां कीलें रोकी जा रही है। हमारे पंजाब का ये जो है इलाका, हमारे राजस्थान का, ये पाकिस्तान से लगता है। दो बड़ी लड़ाइयां हुई है 62 में 71 में, वहां कीले आज भी नहीं है, वहां सीमेंटेड दीवार आज भी नहीं है, आज भी वहां कटीली तार लगी हुई है जिसको तारबंदी बोलते हैं। चाइना में और हमारे में, जिस चाइना को इतना बड़ा दुश्मन आरएसएस कहती है कि वहां से कोई सामान मत ले आप, ये बात दूसरी है कि चीन का सामान तो मोदी सरकार ही मंगाती है, आप और हम थोड़े मंगा सकते हैं, सारा सामान हवाई जहाज से आता है और सरकार उसको परमिशन देती है, पर प्रचार करने के लिए कह रहे हैं चीन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। हाँ दुश्मन है तो आप वहां ये कटीली तार क्यों नहीं लगा रहे, वहां ये किले क्यों नहीं रोक रहे, वहां आप सीमेंट की दीवार क्यों नहीं बना रहे, वहां तो कमजोरी नहीं बनाई है। और ऐसे हालात में जब किसानों पे आप उबला हुआ पानी डालो, आप लाठियां चलाओ, आप उनका रास्ता रोक दो, आप उनके कीले गाड़ी शुरू कर दो, तो आज दुनिया बहुत ही ग्लोबल, बहुत नजदीक है दुनिया। हम मैं बोल रहा हूँ ये आप कहीं सुन सकते हैं, और जो यहाँ बैठे हैं इनकी फोटो ऊपर से आ रही है और तो सारी दुनिया में जा रही है। तो कुछ हस्तियां दुनिया की जिन्होंने ये कहा कि हिंदुस्तान के किसान के साथ नाइंसाफी है, 72 दिन से भयंकर सर्दी में -2-4 डिग्री सेंटीग्रेड में भी वो एक तमुओं के नीचे बैठे हैं, ये किसानों के साथ नाइंसाफी है, इनका निर्णय होना चाहिए, इनकी मांगे माननी चाहिए और हम किसानों के साथ हैं। तो सुनते हो क्या है, हमारी सरकार ने उनका मुकदमा दर्ज कर दिया। मेरे को ये बताओ यहां से जो पैसे खा के भागे उनको तो लाल, उसके मेरे गांव में चोरी होगी आज तक पुलिस पकड़ ली इसकी, उसकी FIR दर्ज है। और आप गेटा थूबर्ग पे स्वीडन में जो बैठी है 17 साल की बेटी, उस पर आप मुकदमा दर्ज कर रहे हो। हमारे मान साहब कहते हैं कि छोटे तो आज देसी दारू का फड़ी ही नहीं, तो किसी और क्यों फड़ लाऊंगे इसको, पर ये इनकी अकल का दीवारा है। ये चाहते हैं कि हम जो करते हैं वही होना चाहिए, वही खाओगे, वही पहनोगे, उसी के साथ शादी करोगे, हम जैसा कहते हैं वैसा बोलोगे,
इसे ही तानाशाही कहते हैं, इसे ही फांसीवाद कहते हैं। हिंदुस्तान की जनता न तानाशाही को पसंद करेगी, न फांसीवाद को पसंद करेगी। आज अपनी मांगों को लेकर पूरे देश में जो लोग बैठे हैं, हम भी उनके साथ खड़े हैं, यहाँ बैठे हैं 20 दिसंबर से लेकर लगातार, और जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी हम एकजुट होकर के उन सवालों को लेकर लड़ेंगे। अभी हमारे नेता तो कह रहे हैं बहुत लंबी चलेगी, जितनी लंबी चले बारी बारी से आएंगे बैठेंगे, पर जब तक मांगे पूरी नहीं होगी वापिस लौट के घर आराम से वो बैठेंगे। तो ये जो आंदोलन है, इसी आंदोलन की कड़ी के तौर पर जैसा अभी शेर सिंह जी कह के गए हैं कि 8 तारीख को हमारे जत्थेबंदियों के नेता आ रहे हैं, गुलाब सिंह चनूनी अपने तमाम लोग, और वो आए वहां 2,000-3,000 की भीड़ हो, तो ये समाचार जाएगा, ये मैसेज जाएगा कि किसान जो है वो आंदोलन के साथ नहीं है। ये तो अलग अलग कार्यकर्ता है, इसलिए हर काम से हमारे मित्र को, दोस्त को, रिश्तेदार को हमें कह करके और 8 तारीख को 11 बजे धान मंडी हनुमानगढ़ से लेके चलना है, अपने साधन करके जो साधन मिलता है उसके द्वारा माताएं, बहनें, नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग सब जो है वहां पहुंचेंगे, और कम से कम 15,000 से 20,000 की भीड़ हमारी होनी चाहिए। मैं ज्यादा नहीं कहता हुआ इसी के साथ बात समाप्त करूंगा कि आज हम यहां बैठे हैं, हमसे 5 किलोमीटर पर भी किसान बैठे हैं, उससे आगे 6 किलोमीटर पे और किसान बैठे हैं, इधर टोला जो है यहाँ बैठे हैं, कुछ मक्का समय बेचारे बैठे हैं। ये बात उसकी हमने कहा यहाँ आ जाओ बैठ जाओ, उन्होंने ऐलान भी किया कि टोलना के में बैठेंगे, तो कोई बात नहीं यहाँ बैठो, हम तो कह रहे हैं कहीं भी बैठो आप बैठो। इसी तरह से आपके जिंदावाड़ी बैठे हैं, पक्का सहना बैठे हैं, पक्का बाजमा के पास बैठे हैं, 2 किलोमीटर में बोलवा भी बैठे हैं, वो बोले सीधा इतने बैठेंगे तो वो चलो ठीक है। इसी तरह से संगरिया में, इसी तरह से दोड़ीपाल के अंदर हमारे तमाम रास्तों पे किसान आज आके बैठा है, और हनुमानगढ़ जिले में हजारों किसान महिलाएं रास्ता रोक के बैठी है, और हम कहते हैं सारी जगह ये समाचार जाना चाहिए कि 8 तारीख को गुरनाम सिंह जी चरूनी को सुनने के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचो। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रामेश्वर जी वर्मा। 8 फरवरी के लिए आह्वान किया है कि किस प्रकार हमें 8 फरवरी को गुरनाम सिंह चडूनी की सभा में धान मंडी हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर पहुंचना है, इसको लेकर रमेश्वर वर्मा ने आज यहां किसान जथेबंदियों को, किसानों को, महिलाओं को, सभी को निवेदन किया है कि हमें जो है वो 8 फरवरी को धान मंडी की जो गुरनाम सिंह चडूनी किसान नेता की सभा है उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आना है। आपको महिलाओं की इधर संख्या भी दिखाना चाहूँगा किस प्रकार, एक बार जी महिलाएं भी खड़ी हुई हैं झंडे लेकर, देखते हैं इधर क्या मसला है। महिलाएं एक बार खड़ी हुई हैं, महिलाएं अपने झंडों को लेकर इधर एक कोने पर पहुंची हैं, देखते हैं क्या मसला है। महिलाओं ने अपना स्थल बदला है क्योंकि इधर से 2-3 वाहन निकले थे, इसलिए महिलाओं ने अपने स्थान को बदला है। आपको दिखाना चाहूँगा कि महिलाएं बीच में बैठी थी, अब वो साइड में आ गई। महिलाओं ने किनारे का जो मोर्चा है वो संभाला है क्योंकि यहाँ से एक दो वाहन यहाँ से गुजरे थे। हाँ जी, क्या बात है हम चाहते हैं कि किसान आंदोलन शांतिपूर्वक चल रहा है, जब हमने धरना लगा रखा है तो व्यवस्था बिगाड़ने के ये हम जब शांतिपूर्वक हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो लोगों को भी शांतिपूर्वक रहना चाहिए। ये ऐसे कैसे हुआ, किसी को रोक दिया, किसी को निकाल दिया, इसीलिए हम यहाँ मोर्चा हम संभालेंगे। ओ, इनका कहना है कि साइड का जो मोर्चा है महिलाएं संभालेंगी, कुछ वाहन यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे इसलिए महिलाओं ने अपना स्थान बदला है। आपको बताना चाहूँगा कि महिलाओं ने अपना स्थान भी बदल लिया, बीच में बैठे थे अब किनारे एक तरफ में महिलाएं आ गई हैं, और उन्हें नई धान मंडी हनुमानगढ़ जंक्शन पहुंचे।
हमारे साथ बलदेव मक्का सारे हैं, वो भी जुड़ेंगे, देखते हैं क्या करते हैं। उसके समर्थन में आज हनुमानगढ़ में भी झंडावाड़ी पक्का सारना और मसरूवाड़ा के पास वहाँ भी और गांव मक्कासर में जो टोल नाका है डबड़ी और मक्कासर के बीच में, यहाँ भी किसानों ने मेरे गांव मक्कासर से डबड़ी से करनीसर सहजीपुरा तमाम निजी गांवों के लोग आए हुए हैं और आज 12 से 3 बजे तक का जो जथेबंदियों की घोषणा है 3 बजे तक का जाम रहेगा। उसके बाद जैसा भी कार्यक्रम आगे जथेबंदियाँ तय करेगी उसके लिए हनुमानगढ़ का किसान और हमारे इलाके का किसान बढ़ चढ़ कर भाग लेगा। जब तक सरकार इन कानूनों को वापस नहीं लेती तब तक किसान घर वापसी नहीं करेगा और सड़कों पर रहेगा। और 8 तारीख को जथेबंदियों द्वारा तय करके जो हमारे किसानों के नेता है गरनाम सिंह चढ़ोनी वो आ रहे हैं, उसकी तैयारी में भी हम लगे हैं। गांव-गांव में हम जाके हैं, हम कल 2 दिन लगातार सहजीपुरा करनीसर भाई एनडी भाई एनडीआर और चक ज्वाला सिंह वाला झंडावाड़ी और कुमारावाड़ी डाणी उत्तम सिंह वाला बामुआबाड़ी डाणी बावरियावाड़ी डाणी नूरपुरा तमाम गांवों में कोई 200 गांवों में हम जाके 8 तारीख की तैयारी में लग रहे हैं और कल भी हम उसकी तैयारी में 7 तारीख को पूरे गांव से आएंगे और हजारों की संख्या में 8 तारीख को किसान सरकार के विरोध में उस हमारे नेता के की बात सुनने के लिए हजारों की संख्या में अनाज मंडी हनुमानगढ़ जंक्शन में 8 तारीख को 11 बजे पहुंचेंगे और सरकार को झुका कर रहेंगे। जब तक सरकार नहीं झुकेगी इन काले कानूनों को वापस करवा कर ही बलदेव जी लेंगे। बलदेव जी एक बात पूछना चाहूंगा, इसी रोड पर 2-3 जगह अलग अलग जो है धरने लगाए हैं किसानों ने, क्या जथेबंदियां आपस में एक नहीं कर पाई, क्या कारण है इसका? ऐसा नहीं है जी, देखो ये किसानों का आंदोलन है, ये आवाम का आंदोलन है, मजदूर और किसान भाई भाई हैं और कर्मचारी व्यापारी सब इस आंदोलन में शामिल है। ऐसा कोई नहीं है कि कोई जथेबंदियों में कोई ऐसा मतभेद हो, लेकिन जो पॉइंट तय किए हैं उस पॉइंटों पर ही हम बैठे हैं। और अगर कोई हम तो चाहते हैं कि 12 से 3 बजे तक का जो टाइम दिया है उसके लिए तमाम गांव के बच्चा बच्ची परिवार समेत रोड़ों पे आए और सब रोड़े बंद की जाए, ये हमने ऐलान किया था। यहाँ कहीं भी बैठे हैं साथी वो इस समर्थन में बैठे हैं, एक ही मकसद है हमारा, जब तक ये काले कानून वापस नहीं लेंगे तब तक हम रोड नहीं, अगर जिला कलेक्ट्री का कार्यकाल ठप करने का प्रशासनिक काम ठप करने का अगर जथेबंदी आदेश देती है तो उस प्रशासनिक काम भी हम ठप करेंगे और सरकार को झुका के रहेंगे। जब तक सरकार इन काले कानूनों को वापस नहीं लेगी किसान और मजदूर चुप नहीं बैठेगा। तो बलदेव जी मक्कासर सरपंच थे, इनका यही कहना है कि हो सकता है अलग अलग जरूर बैठ सकते हैं, लेकिन मकसद सबका एक ही है कि सबका मकसद एक ही है कि हम तीनों जो काले कानून हैं जो मोदी के द्वारा लाए गए हैं उसको वापस करवा कर ही हम यहाँ से हटेंगे। अभी महिला समिति के जो काफ़ी संख्या महिलाएं भी यहाँ पहुँची हैं और इनसे भी बातचीत करेंगे कि महिलाओं की भागीदारी कोई कम नहीं कह सकते हम, महिलाओं की भागीदारी काफ़ी है। हाँ जी, क्या कहेंगे इस कानून के बारे में? कानून के हम तो जनवादी महिला समिति लगातार इनका खिलाफ कर रहे हैं। 3 महीना से मोदी सरकार ने जो काला कानून लेके आया है उसके विरोध में जनवादी महिला समिति किसानों के साथ है। जब तक किसानों की मांग नहीं मानी जाएगी जब तक जनवादी महिला समिति किसानों के साथ रहेगी। इन मोदी को बताने वाला, जब कोरोना 265 मरीज थे तब तो इन्होंने सारा हिंदुस्तान बंद करके रख दिया, जब मजदूरों का काम था कण काटने का, और जब तो इन्होंने कोरोना है बंद कर दिया, अब 2-2 लाख 3-3 लाख किसान सड़क पर बैठे हैं। जन मोदी
मेडिसिन गोलना भी कोरोना है कि इतने तो गर्भवती महिलाओं का बच्चा रस्ते में हो गया, महिलाएं की बड़ी दुर्गति हुई लगातार। अब तो मोदी सड़क अपना खोद खोद के किल्ला रोपण लग रहा, जना वांगी व्यवस्था बसा की व्यवस्था कराई नहीं, डॉक्टर की व्यवस्था कराई नहीं, जबकि गर्भवती महिला ये रस्ते में डिलीवरी होगी, पैदल चाल चाल के छोटे छोटे बच्चा वांगा बच्चा खत्म हो गया। जन तो मोदी ने देश को नहीं, अब किसान आपकी मांग ने लेके लड़न लग रहा है। पहले तो क्या हरियाणा की और पंजाब की लड़ाई है मोदी जी के नाम, मोदी अब देख ले हरियाणा की पंजाब की है के अब सारा हिंदुस्तान लड़न लग रहा है। 3 महीना हुई मोदी ने रोन लग रहा है, जनवादी महिला समिति औरतों ने सारा ज्यादा दिक्कत है तो औरतों ने, जिका मेरा भाई किसान 3 महीना घर छोड़े बैठे है तो लारा जिके घरे बांग परिवार है बने, मोदी का तो परिवार कौन भी नहीं पता, कौन ही औरतों से कई दिक्कत आने लग रही है, जिकी मेरी बहना घरे बैठी है बने पता कई दिक्कत है, ब्याह है शादी है हारी है बीमारी है बूढ़ा माँ बाप है, जिका नौजवान छोरा कितना ही तो सड़क पर मर गया, 170 तो मेरा किसान भाई सड़क पर मर गया, और हमारी जिकी और बॉर्डर पर एक ठंड के ठंड लागना, इतनी ठंड है मैं भी बैठा 25 दिन लगा गया, बहुत ज्यादा ठंड है। आप बीच में दिल्ली भी गए थे? हाँ दिल्ली भी सारे जगह देख रहा हूँ। दोबारा के प्रोग्राम में था, दोबारा मोदी ना माने तो दोबारा फिर जावागी, हमारी औरतें आज भी बैठे सांझा बॉर्डर पर बैठी है जनवादी महिला समिति की, और सारी जगह हमारी औरतें जनवादी महिला समिति जट्ठा भी मारो संगठन है, आज सारी किसानों का सागा है, जब तक किसानों की लड़ाई ना जीती जाएगी जब तक जनवादी महिला समिति किसानों का सागा रहेगी। हमारे साथ और भी एक महिला संगठन कार्यकर्ता है, इनसे भी बातचीत करते हैं। हाँ जी, हमारा जनवादी महिला समिति का जब से ये किसानों का आंदोलन चल रहा है तब से हम इनके साथ हैं, कई प्रोग्राम करते हैं, जब हम जो ये जो है समिति बनी हुई है ना, जो समिति जो भी तय करेगी तो हम जनवादी महिला समिति कंधे से कंधे मिला करके हम इनके साथ रहेंगे। मोदी जैसी सरकार अभी तक ना तो देखी और ना देखनी, और झूठा मोदी सरकार, जो आदमी झूठा होता है उसके पैर नहीं होते, अब किले लगा रहा है, बड़ी बड़ी तारे लगा रहा है, कभी कहता है खालिस्तान है ये किसान, कभी कहता है ये उग्रवादी है किसान, इन्हीं किसानों से वोट लेकर के ये प्रधानमंत्री बना और इन्हीं को ये खालिस्तान बोल रहा है, उग्रवादी बोल रहा है, ये अब किसान और महिलाएं मिलकर के इनको बता देंगी कि खालिस्तान कैसे होते हैं, उग्रवादी कैसे होते हैं। जब तक हमारी किसानों की मांग तीनों काले कानून वापस नहीं लिएंगे, लेकिन तब तक हमारी महिला समिति किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के संघर्ष करेगी। ओ ये महिला समिति का यही कहना है कि जब तक का मोदी काले कानून को वापस नहीं लेता है तब तक हम महिलाएं जो है साथ रहेंगी। आपको आप उधर सभा चल रही उधर भी ले चलते हैं, और इधर नज़ारा भी दिखाना चाहूँगा कि किस प्रकार किसान पीछे तक आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार किसानों ने इधर मोर्चा लगाया हुआ है, और चक्का जाम 3 घंटे का चक्का जाम आपको बताना चाहूँगा। हमारे साथ किसान नेता जुड़ेंगे क्योंकि नेता ही कहेंगे, ये काफी दिनों से इन्होंने मोर्चा संभाल रखा है टोल नाके पर, जो मोर्चा संभाला जो इनके द्वारा काफी लंबे समय से इन्होंने बैठे हैं। हाँ जी, की हाल है तेरा, हाल चाल ठीक है, सेहत पानी बताओ कितना? ठीक ठीक बढ़िया है जी, बढ़िया हाल तो बढ़िया है। तो तुझे तो बहुत दिनों तो बैठे घरे जाते ही इतने रहने की जावे, जो कदम जित गया काले कानून वाले वापस ले ना मोदी ने उदे घरे जावे। किसान एकता, किसान एकता, काले कानून। तो इन्हों का यही कहना है। हाँ जी, तुसी की कहते हैं? असी यही कहने हैं भी अपने काले कानून मोदी वापस ले ले, नहीं तो असी इत्थे बैठे हैं और जित के जावांगे या जितांगे या मरांगे, बस सीधी गल है। तो इन्हों का यही कहना है कि जदों तई मोदी जो है किस काले कानून पुठे नहीं लैंदा उदों तक इद्दे बैठ, हालांकि अज चक्का जाम का प्रोग्राम है, काफ़ी दिनों तो इन्होंने टोल नाका भी रोक रखा है और टोल नाका फ्री कराया डबली का टोल नाके, तो तुसी लाइव जुड़े हो कलम नहीं तो सभा के बीच तैन ले चलते हैं कि उधर की विचार प्रगट किए जा रहे हैं। ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਇੱਕ ਡਾਲਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਡਾਲਰ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਪਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਟੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨੱਥ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਨੇ ਤਰੀਕੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਡਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਗੰਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਕਈ ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਦੇ ਪੁੱਤ, ਕਈ ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਕਈ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਬਲੇਟ ਕੇ ਲਫਾਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਆਏ ਨੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਸੀ, ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪਾਲਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਹਿਤਾ ਹਰੇਕ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨੀ ਲਾਉਣਾ, ਇਹਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸੱਚ ਮੰਨਿਆ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਬਚਾਉਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਹਰੇਕ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਮੋਦੀ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਦਿਨ ਨਾ ਦੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਹ ਦਿਨ ਹੀ ਦੇਣੀ ਸੀ ਅੱਜ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਡਰ ਲੈਂਦੇ, ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੇ ਰਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਹਕਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਆਪ ਇੰਨਾ ਹਕਾਰ ਦਾ ਭਰਿਆ ਵਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਦਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਖੀ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿਰਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਦਾ ਬਣਾਇਆ ਵਿਆ? ਤੇਰਾ ਪਿੱਛਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਘਰੋਂ ਪੇਟੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਚਾਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਉਹ ਚਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਬਣਿਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰੂਗਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਵੇਚਦੀ ਨਾ, ਤੂੰ ਲੇਟਾਂ ਵੇਚਦੀ ਨਾ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਵੇਚਦੀ ਨਾ, ਤੇ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਸੀ ਤੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖੋਲੇਂਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸੋਚੀ ਨੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੋਦੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੇ। ਮੋਦੀ ਤੇਰਾ ਹਕਾਰ ਤੋੜਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਟੁੱਟਣਾ ਤਾਂ ਪਊਗੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਢੋਈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨੀ ਮਿਲਣੇਗੀ। ਤੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਜੰਮਿਆ ਤੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਤੇਰੀ ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਐਸਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਤੈਨੂੰ ਡੰਡ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਸੋਚੂਗਾ, ਮੇਰਾ ਦੇਰ ਤਾਂ ਸੋਚੂਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੌਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਅੱਜ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਪਿਓਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋਲਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਪ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜੂਗਾ। ਕਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੋਦੀ ਹਜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 6-7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਬਣੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਲੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਤਾ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ, ਕਦੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਤੰਕਵਾਦੀ, ਕਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੁਛ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਕਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਜਿਹੜੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤਿਆਵੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ
मैं खांदा ही नहीं, जिहड़ी चीज़ नूं जिंदगी विच मैं पीती नहीं उहनूं मैनूं कोई धक्के नाल किवें पिया सकदा है। उहनूं मैनूं इह धक्के नाल पिउण दी कोशिश करदा ते असीं उह पींदे नहीं। कितना किते असीं इहदी सारियां गल्लां मन्नियां सी। पहली गल तां असीं इहनूं ते विश्वास करके इहनूं वोट पाई सी। असीं उस टाइम नूं पछताउणे आ। फिर उस तों बाद असीं बड़े भाणे होर मन्ने, उह इहदे सारे मन्ने, असीं उहनां नूं पछताउणे आ। पर मेरे वीरो अज इहोजिहा टाइम है, जे किसी हक आपां किसी गल दी मार खा गए तां जिंदगी दे विच आपणियां जिहड़ियां नसलां ने आउणा उह आपां नूं ताने मारनगियां, आपां नूं मीने मारनगियां ते आपां नूं घरां दे विच मरन नहीं देणा गा। मरे बाद ढोई नूं अपने नूं किसी ने लेना नहीं गा। पर मेरी हथ बन के सारे वीरां नूं, हरेक पार्टी का खेड़ा छड्डो, किसी भी पार्टी नाल कोई भी गलबात नहीं, पर सिर्फ एक किसान बनो, मजदूर बनो, गरीब बनो, कितना कितने फिर यह सरकार मुड़ूगी, नहीं यह सरकार का हकार नहीं टुटना गा। राजस्थान जरूर हुण उठिया। पहला इस बंदे ने कहा सी कितना कितने राजस्थान के लोग मैनू चाहते है, राजस्थान के बच्चे मैनू सीटा मिल दी है, ते कई बार यह कितना कितने यहाँ बहन है, पर इनू हुण टाइम मिल गया। अज चलो जो भी कुछ होया उन्होंने हम आप मानते हैं, पर अगे तो सारे कट्ठे रहो, हरेक की गल सुनो, हरेक के पिछे भाई जो किसान है, किसान मजदूर एकता पिछे तुरो, बोलो भाई किसान मजदूर एकता, थोड़ा दब के बोलो। आर्मी नूं राह दे दो मेरे वीर, आर्मी आ गया इन्हों राह दो मेरे भाई, राह दे दो भाई आर्मी नूं, मेरे वीर सैर ते हो जाओ, आर्मी आई इन्हें राह दो मेरे भाई, जिन्हें भी एक है दो है जिन्हें भी कंटेनर है ना टपाओ भाई। मेरे भी सैर दे दियो। तो दूजी गल मैं जिहड़ा आह अज दा अपना धरना, जो भी अज लॉकडाउन आपां किसान जथेबंदियां ने किया उन्हां विच आपां रले, ओदा भाई सारा सम्मान करे करो, कोई भी किसी नाल लिहाज ना रखे करो, चिट्टा दुद्ध वर्गा जवाब दे दिया करो, रोक दिया करो, कोई डर नहीं। बस एक गल याद करा दिया करो इन्हां दा, मेरे भाई कहदे क्यों करोना है, बस इन याद करा दिया करो, करोना है कहदे अगे, ठीक है ना, आप चुप कर जांदा। बोलो भाई किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता। एक थोड़ी जी गल मेरे दिमाग च आ गई, वो हम मैं दस ही देवा यार, बुरी जाऊ सारा दिन। कितना कितने मंत्री जो है ना अंदरों रात को बह के स्कीम करते हैं कि काम तो ऐसा ही है तो धक्का ही, पर हम सप ने मुंह च कर लिया बोलन कि मैं वो खांदा मुड़ो, वो खांदा उदू डरते हैं, क्यों ओदा दबावा तो ही एडा है कि उस बंद का जिन्हे कि नजर पाँगा ना तो यह आदा मंत्री डर जाता है। पर साडे किसानां दे विच इदा मैं हौसला देखिया, जिहड़े उत्थे जाके दिल्ली दे विच धरना ते बैठे आ, 40 जथेबंदियां जो बैठिया उन्हां विचों जांदे आ मेरे वीर, मेरे प्यो उन्हां नूं मैं धन्नवाद करदा, उन्हां मामां नूं मैं धन्नवाद करदा जिहड़ा ने उन्हां ने मोदी दा चाह ते पानी ते लंगर भी नहीं छकिया। उन्हां ने कहता तेरा यह लंगर सानूं पसंद है नहीं, तेरा चाह पानी साडे पसंद है नहीं, तू सा बाइकाट है, जे कितना कितने वह लंगर छक लेंदे तो मेरे मन में ठुक लाई थी। उन्होंने बहुत बड़ा काम किया कि वही गल हूं मैं कहना, अपने मेरे वीर सारे इस तरह एकता रखो, एकते दे सारा कुछ मिलूगा। बोलो भाई किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता। धन्यवाद भाई, धन्यवाद भाई बोर सिंह। अब मैं अगली प्रस्तुति बीएस पेंटर साहब से निवेदन करूंगा कि वो एक किसान मजदूर का बड़ा ही प्यारा गीत सुनाएंगे, जाग किसाना वे उठ मजदूरा वे, जाग किसाना वे उठ मजदूरा वे। मेरे किसान मजदूर वीरों, माताओं भेनों, असल दे विच की है
कि जेड़ी जागृति आज किसान मजदूर दे विच आई है ये जागृति बहुत पहला आ जानी चाहिदी सी, क्योंकि सदियां तो ही ये लुट है किसान मजदूर दी हो रही है। जिस तरह गुरबाणी दे विच लिखिया है, हक पराया नानका उस सुअर उस गाय, मतलब है हिंदू वास्ते गा ते मुसलमान वास्ते सूर, खान दे बराबर किसे दा हक मारना इन्ना बुरा समझा जांदा है। ते ए जिहड़े वड्डे वड्डे सरमाएदार बने है कोई एवें थोड़ी बन गए, ये लुट बहुत सदियां तो हुंदी आ रही है। शुक्र है मनाओ के किसान मजदूर नू सोच बन गई, ओनू जागृति आ गई, ते ए जागृति जिहड़ा सदियां तो सुत्ता पिया सी। असी ता मेरे ख्याल च 20-25 साल ता मैनू हो गए इस राजनीति च आई नू, ते असी ओनों दे ही ये गीत गाउंदे आ रहे हैं। पर हुण जिहड़ी जागृति आई है, ए जागृति जेड़े लुट नाल और अरबापति बने है, ताही तो वह मोदी मन नहीं रहा। उन्हें पता जिदे तीन कानून लागू करते ते जेड़ी वजह नाल अज ओ खरबापति बने है, ओ ही पैसा किसान दे कोले आजूगा ते किसान माला माल हो जूगा ते ओ धरती ते आ जाणगे, आम आदमी बन जाएंगे। तो लुट बहुत वड्डी चीज है जिहड़ी जागृति आई है। इस करके साथियो मेरा गीत भी कामरेड शोपर सिंह बहुत पसंद करते सी, वो गीत फरमाइश आई है वही गीत सुनाया जाए। जाग किसान आवे उठ मजदूर आवे, जाग किसान आवे उठ मजदूर आए, तेरी कमाई ते रहे ने वेलड़े, मौजी उड़ा जाग किसान आए उठ मजदूर आए, जाग किसान आए उठ मजदूर आए, तेरी कमाई ते रहे ने वेलड़े, मौजी उड़ा मौजी उड़ा। तैनू फिक्र पिया आथन दे आटे दा, वेलड़ पे करांदे इलाज मोटापे दा, तैनू फिक्र पिया आथन दे आटे दा, वेलड़ पे करांदे इलाज मोटापे दा, भुख ने तैनू ढांचा हड्डियां दा दिता बना दिता बना। जाग किसान आए उठ मजदूर आए, जाग किसान आए उठ मजदूर आए, तू ता हर वेले रुलदा विच मिट्टी दे, वेलड़ पैंदे ने विच सोसाइटी दे, तू ता हर वेले रुलदा विच मिट्टी दे, वेलड़ पैंदे ने विच सोसाइटी दे, हो माधो मिट्टी दा तैनू ताई नाने दिता बना दिता बना। जाग किसान आए उठ मजदूर आए, जाग किसान आए उठ मजदूर आए, पूंजी बच्चिया दी तू घर विच ला लेंदा, दुध लवेरी दा दोती नू पा दिंदा, पूंजी बच्चिया दी तू घर विच ला लेंदा,
दलेरी दा दो दीनू पा दिंदा हो वधिया खुराका तू अपने बच्चियां नू ले तरसा ले तरसा जाग किसाना वे उठ मजदूरा वे जाग किसाना वे उठ मजदूरा वे बच्चे ने लड़ दे पर दे कन्वेंटा चे ठंड च बाहर निकल दे कोटा ते पैंटा चे बच्चे ने लड़ दे पर दे कन्वेंटा चे ठंड च बाहर निकल दे कोटा ते पैंटा चे हो बच्चे तेरे ता खेती फिर दे लीरा लमका जाग किसाना वे उठ मजदूरा वे जाग किसाना वे उठ मजदूरा वे तेरी कमाई ते रहने वे लड़े मौजी उड़ा अभी शाहजहांपुर वोडो से सूचना आई है कि एक टोल लगातार जो टोल नाके है उन पे धरने पे बैठना है टोल फ्री करवाना है और दूसरा उनका ये है कि सारे राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो लोग शाहजहांपुर बॉर्डर पहुंच सकते हैं वो वहां बारी बारी से सारे लोग वहां पहुंचे। ये अपने को गांव में बैठ के भी योजना बनानी चाहिए कि जो काफी दिन से वहां है कोई 5 दिन रह के आता है, कोई 7 दिन रह के आता है, कोई 10 दिन रह के आता है, उसके बराबर में दूसरे साथियों के भी हम ज्यादा से ज्यादा भेजें। ये नहीं कि 5 आ गए और 5 भेज दिए, कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने लगातार भेजते जाएं। जैसे अब कल झंडावाड़ी से निकले हैं और भी लोग जा रहे हैं, तो अपने को ये भी योजना बना करके जो किसान के आगू लीडर हैं उनको अपनी योजना बनानी चाहिए। ये अभी उनका समाचार जो है वो आया, अभी सारी जगह जहां रास्ते रोके हुए हैं सारी जगह आप इनकी सूचना कर दो। हाँ जी, हाँ ओम जी, लो अपनी बात को किसान मजदूर अब मैं अगले वक्ता के तौर पर मक्कासर से भाई कुलदीप ओलक से निवेदन करूंगा कि वो मंच पे आए और अपनी बात रखें और वक्ताओं से विनती है कि जरा कम समय में अपनी बात रखें। सारे किसान भरावां नूं वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सारे बुजुर्ग नौजवान मेरिया भैन सारे नूं मैं बड़ा इत्थे भीड़ भाड़ देख के बहुत खुश है, बहुत बहुत धन्यवाद करता है। साथियों इस कानून बारे बहुत ज्यादा अपने जिहड़े अनपढ़ किसान सी वह भी बहुत चीजा समझ गए ते बहुत वधिया धरना अपने सब तो रिकॉर्ड है राजस्थान दे विच भी कि जिहड़ा पहला टोल नाका बंद होया है वह मक्कासरा टोल नाका है और उस टोल नाके की आवाज सारे राजस्थान दे विच पहुंच गई ते लगभग राजस्थान दे टोल नाके बंद हो चुके है। ये बहुत वड्डी उपलब्धि है। अज तक मक्कासर एरिया जिहड़ा मक्कासर दा जां करनीसर सजीपुरा डबली ए एरिया जिहड़ा अपना हनुमानगढ़ विधानसभा है इहदा रिकॉर्ड ही रहा है कि किसान मजदूर की गल करन च हमेशा अगे रहे। यह बहुत वड्डी गल है और अज भी आपां इकट्ठे होए हैं, पर आपां एक चीज जरूर ध्यान रखनी है साथियो कि वह किसान भरा अपने दिल्ली मोर्चे के शाहजहां बॉर्डर से गाजीपुर बॉर्डर से टिकरी बॉर्डर से सारी जगह बैठे है, 70,000 बैठे है, आप भी आराम बैठना है। कोई आऊगा तो आई जाए अपने आराम बह जाओ, थोड़ा जा डिसिप्लिन जरूर रखना है क्योंकि बहुत बड़ी लड़ाई है, यह बहुत लंबी चली जा रही है। 70 दिन हो गए, 70 दिन उत्ते हो चुके हैं। तो साथियों आप कानूनों बारे मैं थोड़ी जी गल दसदा कि अपनी कमी की है।
एक चीज का ध्यान रखनी है भी चोर नहीं, चोर की मां नू मारना है। और अपना एक नारा हुण नवा यह चीज लोग जागरूक होए है कि ईवीएम हटाओ किसान बचाओ देश बचाओ। ईवीएम की है, ईवीएम मशीन है जी, इन्हों की बनी बनाई मशीन है, एक सरकार की मशीन है। जो आप विशेष ध्यान रखना है हूँ कि किसानों के नाल यह बहुत बड़ी गल है कि अगर आप कोशिश तो बधेरी करिए भी जुलमी सरकार के खिलाफ बोल ना दे पर बटन दबदे है फिर जाता वो निशाने से ही है। यह बहुत बड़ी गल है, यह सोचने की गल है। यह अंदोलन भी आप मतलब जिम्मे हम बैठे हैं इतने सारे, ये गल भी आप जागरूकता की गल है क्योंकि आप ईवीएम के खिलाफ भी लड़ाई लड़नी है। कोई भी ऐसा देश नहीं, अमरीका चाइना कितने भी ईवीएम नहीं चलती, ईवीएम च गड़बड़ियां करके ये जितते। इन्हों पता है भी किसान सत्तर दिनों च मन जाते, इन्हों पता है भी असं ईवीएम च गड़बड़ी करके फिर सत्ता ले लेंगे। इस करके बड़ी सोचने की गल है, बड़ी अपन यह सोचना है। यह दुर्गामी ये परिणाम आप भुगत रहे हैं। ईवीएम मशीन आई बड़ा चा सी, अज दी नहीं ईवीएम आई, ईवीएम आई न 25-30 साल हो गए। अपन बड़ा चा सी यार आप टीम बजूगी तो वोट पुजे वो टाइम घट लगेगा, वो टाइम टाइम के चक्कर च अपन तो बहुत पिछे ले गए। अज जी लड़ाई है ये अपनी साढ़े बजुर्गों की लड़ाई नहीं है, ये साढ़े जो बजुर्ग है अगली पीढ़ी की लड़ाई लड़ रही है। ये देश की गुलामी की तरफ ले जा रही है जी सरकार है। इस सरकार के खिलाफ यह अंदोलन आप जोर शोर में लड़ना है। बहुत बड़ा इस अंदोलन देख बहुत खुश है, तो बहुत मैं धनवादी अपने संगत का जो अपने इलाके दी है कि बहुत सहयोग कर रही है। और एक बार थोड़ा जहा सारे साथी नारा ला दिया करो, मैं लगता जोड़ा स्रोते है उन्होंने आवाज बोलने वाली ज्यादा आँदी सी। एक बार दो नारे ला दो, मोदी सरकार, मोदी सरकार, काला कानून, काला कानून, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। धन्यवाद भाई कुलदीप ओलख। अब मैं अगले वक्ता के तौर पर महिला नेत्री चंद्रकला जी वर्मा से निवेदन करूंगा कि वो मंच पे आए और अपनी बात रखें। चंद्रकला जी वर्मा, इनकलाब जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। पहले तो मैं टोल प्लाजा पर लगातार 2 महीना हूं जगह मेरा भाई किसान बैठे है, वन मैं सलाम करूं इन ठंड का अंदर लगातार बैठे है। आज थोड़ो मन भी बात हो गई भी आप 3 महीना हूं मैं एक बार थोड़ो ऐसे का लोग टप्पण लग गया अन खतर में बोलू ए भी मोदी का बन गया सारा। आज के दिन सारा ने घोषणा कर दी भी 6 तारीख ने बंद है, चक्का जाम है, तो आ भाइयों ने अपन समर्थन देना चाहिए, नहीं बिगाड़ने की व्यवस्था करने लग रहा है। तो यह भी कोई बात ठीक को नहीं, यही अपना भाई है सारा जानकार है। पर मेरे को कहना है कि भी मोदी ने अब तो सारा समझ लिया उसी, मोदी कहने लग रहा भी अब तो पंजाब की लड़ाई है। अब मोदी ने पूछना अब तो 26 जनवरी वाले दिन देख लियो, अब के पंजाब की लड़ाई थोड़ी, अब तो सारा हिंदुस्तान की है, सारा जगह लोग आने लग रहे हैं। 3-3 महीना सड़क पर बैठे है और 70-70 साल का मैं कई बार निकलू रात में भी नौजवान है जगह रुका, पर मोदी सोच रखे अभी मैं हट पकड़ रखी है। अरे मोदी तेरा तो परिवार को नहीं, जगह मेरा भाई बैठे है अंग तो परिवार है, अंग ब्याह शादी भी है, अंग और भी काम है। तो मोदी ने तो अब की बारी की करना पड़ेगा अपना और इल्जाम। अरे मोदी तू आज किला ठोकन लाग रही है, जग दिन तू लॉकडाउन करो, कोरोना ले के आयो उठे तो 265 मरीज आदन तो सारा हिंदुस्तान बंद कर दियो, जगह गरीब आदमी को कणक की कटाई करा काम को टेमो, जगह मेरा बेटा कोई दुकान करी कोई लोन चक के काम शुरू करियो, जगह तो तू सारा ने अंदर बंद कर दिया, कभी तू का घंटी बजाओ, कभी का तू मोमती जगाओ, कभी की लोगों ने बंधु बना रखा। तो अब कोरोना किने गया 10 लाख किसान और 2 लाख किसान तो हरदम सड़क पर बैठे रहे, तो अब तेरी कोरोना किने गई। पर मोदी देख लिया ठीक है भोली भाली जनता है, मेरे के घंटी बजा दी, मेरे के मोमती जगा दी, तो अब ये मान जाएगा। पर किसान खेत में काम करता है थोड़ी है तो वो रोटी की सका दूर खा तो मेरे दिमाग भी है, किसान आ बात मानने वाला कौन है अब की बारी और तय भी कर रखे है। मोदी ने पूछना तू अब तो सड़क पर किन्ना रोक है, जब मेरी गर्भवती मेरी बहना मेरी बेटियां 10-10, 50-50 किलोमीटर दूर रास्ता में बच्चा हो जाना, बच्चा बीमार हो जाना, मर जाना, जन तो इन
मोदी ने दिशा को नहीं जका इन बड़े एमपी रमा ने किने पता कौन भी आए औरतों ने पिंजा इन डबली गंदर माने पता है बेचारी औरतों ने कोई गाड़ वाला नहीं खेत वाला भाई कौन चढ़ाता पैदल जाते उनके कहते बारे बच्चों बीमार है माने तो डालियो माने हॉस्पिटल तो ही पहुंचा दियो तो ही कहता ना भाई तुमने कौन चढ़ा मेरा कोरोना हो जैसी पर अब मोदी ने तो सारा पता है अभी कोरोना किन्ने गए तो बहुत नीच है इनको दुख सारा ज्यादा मेरे जगह किसान भाई अठे बैठे लड़न लग रहा भी ज्यादा मन है क्यों मेरा भाई तो सारा दिन अठे बैठे रहे जकी मेरी बहना सारा ज्यादा संघर्ष करने लग रही है घरे बैठी है चाहे वह रिश्तेदारी में जानो है चाहे घरे दुख तकलीफ है चाहे बच्चों बीमार है चाहे कोई तरह की घटना है तीन तीन महीनों दिल्ली के साधापुर बॉर्डर में बैठे है टिहरी बॉर्डर में बैठे है सारी जिया किसान बुरी तरह पीते है मोदी तो मेरा कहना भी जब तक अपनी मांग ना माने तो अब तो आप हलो ही कोनी रहेंगी बात में कोनी आनो जब तक किसान लड़ाई लड़ेगा आंगी लड़ाई ना जीती जाएगी तो जनवादी मेला समिति जिठा भी है किसानों का प्रोग्राम उसी मेर लगातार सारे सागे रहेंगे क्यों सारा हम ज्यादा मारे कामड़ श्यप सिंह जी कहता जगह की गिरजिया छाती भी ने ज्यादा दौड़ लगाना पड़ा भाइयो अब छाती गिरिया मारी मेर लवानगी मारे कट्ठा भी कोई सुरक्षा को नहीं जकी मेरी बहना घरे बैठी है तो जे कोई स्कूल में तो जे कोई घर में काम करे तो कट्ठा ही कोई की तरह की सुरक्षा को नहीं आज मोदी आप किसानों वास्ते किला ठोकन लग रही है शर्म आनी चाहिए थोड़ी बहुत है तो मेरा तो वही कहना जब तक अपनी मांग ना मानी जाएगी तब तक आप लड़ाई लड़ांगा और थारा सागर जनवादी मेला समिति लगातार कोई भी प्रोग्राम रखोगे तो जनवादी मेला समिति कंधों कंधे मिला के थरसा करे। धन्यवाद चंद्रकला जी वर्मा। अब मैं अगले वक्ता के तौर पर श्री गुरपविंदर सिंह जी मान से निवेदन करूंगा कि वो मंच में आए और अपनी बात रखें। गुरपविंदर सिंह जी मान किसान एकता किसान एकता किसान एकता किसान मजदूर एकता किसान मजदूर एकता किसान मजदूर एकता। किसान साथियों 5 जून का काम चलिया है जिन्होंने कानून बनाए ने 8 महीने हो गए ये सरकार ते कोई असर उसर नहीं ना आए पवे आप तकड़े होने बस सारिया गल्लां बातां दसतियां टाइम नहीं थोड़ा बाहर लेंदे एक गल का दुख हुंदा सुन लो सारे जिहड़े बिना पग वाले भी बैठे है असी 47 की आजादी च 90% कुर्बानियां दित्तियां सिखां ने देश आजाद कराउण दी खातर दित्तियां के नहीं दित्तियां ते फिर सानू खालसा नहीं ते देश दोई क्यों कहिंदे ज्यादा दसो हूं भी अपने पिंड जी डबली शहीद चमकौर सिंह का लगे शहीद का जो शहीद होया तो लगे वह फिर किसी उदो नहीं सानू कोई देश द्रोही कहना तो सानू देश द्रोही कहते हैं जे कद फौज भर्ती नहीं होए जिन्होंने देश कदे भी देश की लड़ाई लिए कोई योगदान नहीं उन्होंने अंग्रेजों ने पिट्ठू बन के लाए लोग जे सानू देश द्रोही कहने है आ कानून पास हो ना हो सानू सानू ठीक है सानू जमीना की लड़ है कानून भेड़ा तोड़े चाहिए है पर सानू दूजे दर्जे के शहरी क्यों समझते है फौज से निशान साहब लगे होंगे क्यों लगे होंगे 6 महीने जो कोरोना कोई कोरोना बीमारी नहीं बदमाश बंदे ने दुनिया के सारे बदमाश कट्ठे हो गए तो सारे भले मानस कट्ठे हो गए बदमाश तो इकट्ठे हो गए पैसे कट्ठे करांगे कानून कुरान बनावांगे भले मानस इकट्ठे हो गए भी चल पाया दुनिया के बारह गंद मंद जा बजा पाया पर प्रदूषण प्रदर्शन घट जूगा वह इन्होंने नाल आए लग गए कोई बीमारी सी हुण फिर हुण बीमारी जावड़ी महामारी तो मरदे होंगे लोग असी तो आने भाई साढ़े नाल लगो उ जाओ पगों ना दूजे लोग बाले हो सू देश द्रोही से आतंकवादी कह हटन गए नहीं नहीं हटते आतंकवादी कह सू जे कह कही जाए फिर सानू इन्हों तो अंग्रेजों के गदारा तो अंग्रेजों के पिठुआ तो जिन्होंने देश की आजादी लिए कोई कुछ नहीं किया जे फौज भर्ती नहीं होंगे सानू उन्हों तो सर्टिफिकेट लैन की कोई लड़ नहीं भी अभी उन्होंने सर्टिफिकेट ना नहीं कम करा गुजरात की रेजीमेंट ही है नहीं फौज गुजरात रेडीमेंट हैगी
जाट रेजीमेंट, सिख रेजीमेंट, राजपूताना रेजीमेंट, मराठा रेजीमेंट, गुजराती रेजीमेंट है। गुजरात के बदमाश कट्ठे होकर सानू आने भी उग्रवादी आतंकवादी है। चीन चीन चौल पर छह महीना छह महीने होया गलवान घाटी च तीह मुंडे शहीद होए है। अठ पंजाब के सी, दस हरियाणा के सी, पांच राजस्थान के सी। गुजरात का कोई होया सी कदे सुने अखबार चुकी गुजरात का मुंडा आप वह भर्ती नहीं होंगे। साडे मुंडे साडे पंजाब के हरियाणा के राजस्थान के झुंझुनू झुंझुनू जिला सब तो वध फौजी दिंदा देश नू। साडे मुंडे आउंदे तिरंगिया च लिपट के जिन्हों उन्हें तिरंगे का अपमान करता। जिथे तिरंगा लहराउंदा वह किला इन्होंने थक में दे रखा, किराए से दे रखा, दिता कि नहीं दिता। कानून तो वापस हो जाएंगे, हरजू फेर हो जाएंगे। सानू देशद्रोही कहना बंद करो, सानू आतंकवादी कहना बंद करो, सानू गुस्सा। उत्थे जाओ सारे जने बिना पकाले बैठो जाके दिल्ली की हद पे। इतने दो महीने हो गए और रिश्ते चक के देख लो पंजाह बंदे आंदे रोज और चाली पकाले होंगे। साडिया कल्याण जमीन जा रही है, सानू कल्याण समस्या कोई तो फिर देश भी ना याद कराने भाई। पंजाब के 90% लोग देश से शहीद होए थे। पंजाबियों को कल्ला पंजाब दे दो, दूजे देश गुलाम बने रहो, फिर ऐ कर लेंगे। एक पार्टियां भावे हूं ऐ लगूगा भी खड़ी बीजेपी के खिलाफ बोली जाता, कांग्रेस भी बराबर की कोई है। यह भी वोटा दी गल नहीं करते है रिश्ते, पर राजा रिश्तेदारी राजे ना ही पाना। कांग्रेस से बीजेपी के रिश्ते क्योंकि बराबर है, आर्थिक लैवल इन्हों इकनोमिक लैवल कहना रिश्ते नाते वेले ये बराबर दे है। उन्होंने तो नहीं कहने आप लड़ाने कहते भी आ बीजेपी कांग्रेस आप लड़ी जाते रहने आ बीजेपी का आ कांग्रेस का। मैं तो बोलता नहीं ये, मैं तेन पानी नहीं दिता, मैं तो ट्राली नहीं दिता, मैं तो कही नहीं लेता दिता। तो आप लड़ी जाते रहने आप लड़ा के राज करते हैं। सारे इकट्ठे हो जाओ फिर लोट आऊए। चलो बह जाओ कुछ नहीं होया। हां पासे ले जाओ मुंडे चाके। हां चलो ठीक है जी, समा थोड़ा है। सारे जाने देश के हंकारी राजे नाल जंग लगी हुई है, इकट्ठे होके सारे जाने आ जाओ। समा बहुत हो गया, अज तो अपना सफल हो गया जो धरना है। बहुत बहुत सारे का धन्यवाद जेड़े आए हैं। स्वामी जी आओ अगला प्रोग्राम दो। देखो साथियों भीड़ मत करो, जो साथी अपना बीमार हुआ है वो ठीक हो जाएगा। मैं डॉक्टर बलविंदर जी से निवेदन करूंगा कि वो उनको देखे, थोड़ा पंपिंग करे और हवा लगने दे। साथियों से अपील है कि हवा लगने दे, हवा लगने दे, हवा लगने दे। दूर है साथी, साथी जो है वो आराम से दूर आके बैठ दे। उपचार करने वाले साथी उपचार करेंगे। डॉक्टर साहब यही है, उपचार करने वाले साथी उपचार करेंगे। देखो हमारे इस आंदोलन में हमारे किसान साथियों ने कुर्बानियां भी दी है, लेकिन साथी बीमार हुआ है, ये उपचार करने वाले साथी उपचार करेंगे। इसलिए घबराने की दिक्कत नहीं है साथी बैठे। अब मैं सभी साथियों से अनुरोध अनुरोध है कि दूर आके बैठे, हवा लग रही है साथी को, हवा लग रही है हवा। अब मैं अगले वक्ता के तौर पर महिला नेत्री सर्वजीत जी कौर से निवेदन करूंगा कि वो आए और साथी को गाड़ी में ले जाने के लिए गाड़ी ले। और आर्मी को रास्ता दे, आर्मी को रास्ता दे। हनुमानगढ़ जिले से किसान इकट्ठे हुए हैं किसान आंदोलन को। दो महीने से ज्यादा हो गए हैं, लगातार किसान संघर्ष कर रहा है और मोदी के
कान पे जूं तक नहीं रेंग रही है। मोदी को अब जो झूठ बोल के कांग्रेस गद्दी पर बैठा है, जो मोदी सबको झूठ बोला कि 15 लाख रुपया मैं तो आपके खाते में डालूंगा, तो किसी के खाते में 15 लाख रुपया नहीं आया। गैस सिलेंडर कह रहा था कि सब्सिडी आएगी, 1000 रुपए का गैस सिलेंडर कर दिया और सब्सिडी किसी के खाते में नहीं आती। जो झूठा आदमी होता है उसके पैर नहीं होते, वो लड़खड़ा रहा है। कभी किसानों को कहता है ये उग्रवादी है, कभी किसानों को कहता है ये नक्सलवादी है। किसान अपनी मांग को लेकर के शांतिपूर्व अपना संघर्ष कर रहा है। अडानी अंबानी के इशारे पर ये मोदी चल रहा है और इस मोदी के नाक में नकेल हमारी जो एकता होगी वही ढालेगी। मोदी अंबानी अडानी के हाथों हमें गुलाम करना चाहता है तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। ये काले कानून तीनों जब तक वापस नहीं लिया जाएगा तो हम इस मोदी के नाक में दम कर रखेंगे। चाहे कितनी भी कांटों वाली तारे लगा ले, कितनी भी फोर्स इकट्ठी कर ले, हम अपनी मांग को लेकर के संघर्ष करते रहेंगे। मैं जनवादी महिला समिति की जिला अध्यक्ष होने के नाते कह रही हूँ कि हम किसान भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिला करके संघर्ष करते रहेंगे। जब तक हमारा ये तीनों काले कानून वापस नहीं ले रहा है मोदी, तब तक हम आपके साथ रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सरजीत कौर जी। अब मैं पूरी टीम जो हमारी इस आंदोलन के अंदर इस टोल नाके को बंद करने में जो सहयोग किया है उसका धन्यवाद, और अगले वक्ता के तौर पर मैं बलकर्ण सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वो मंच पे आए और अपनी बात रखें। बलकर्ण सिंह जी। इनकलाब जिंदाबाद, किसान मजदूर रास्ता जिंदाबाद। साथियों से अपील है कि आर्मी को रास्ता दे आराम से। इनकलाब जिंदाबाद, किसान मजदूर रास्ता जिंदाबाद। अब मैं बलकर्ण जी से निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात रखें। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। बाहर तो है किसान भरावो, नौजवानों, माताओं, भैनों, बीबीओ सारे का बहुत बहुत धन्यवाद जो इतने कारी समय तो टोल नाके से बैठे हैं, रात दिन की ड्यूटी देंगे। बहुत बहुत उन्होंने भी धन्यवाद, क्योंकि टोल नाके से मेरी ड्यूटी घट रही है। नगर के जिनी सेवा होंगी उन्नी की निभाई जाने। किसान मजदूर एकता का संघर्ष चल रहा है। मोदी नू राही जाने 4-5 महीने हो गए। बंदा बदमाश सी ते लंडे नू खुंडा सौ को तो मिल पैंदा आके, ते 3-4 यूपी दे रल गए। ते पर हुण इहदे हथ मत्थे कुछ नहीं। मैं मोबाइल ते वेख्या इह तां इक जिवें आपां आखदे ने वी बंदा धरती ते पार है, कोई है कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जेड़े बंदे की मनोवृत्ति आपके घर खातर ही चंकी होनी तो देश खातर चंकी की होगी। सारे आप सियाने वे छोटे बैठे हैं, जिन्हें आपका परिवार नहीं उसाया लोगों के परिवारों को की लेना उन्हें।
ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹਜੇ ਉੱਥੇ ਪਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਦਾ ਵੀ ਆਹ ਨਾਂ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਵੀ ਖੜੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਓ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਓ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੋਟੋ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਜੀ ਲਾਵੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਾਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਤੇ ਵਿੱਚਦੀ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਆਏ ਹੋ ਜੇ ਆਏ ਹੋ ਜੇ ਆਏ ਹੋ ਜੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਮੱਥਣਾ ਰਹੇ ਨਾ ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਆ ਗੱਲ ਫਿਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਝੰਡਾ ਲਾ ਤਾ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਲੇ ਖੜ ਕੇ ਝੰਡਾ ਲਵਾਇਆ ਇਹਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਤੇ ਨਾਲੇ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਦੇਵੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੈਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਵਾ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਦਾ ਝੰਡਾ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਆਰਐਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ ਸੀਗੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 21-41 ਨਾ ਨਾ ਪਾਈਏ ਉਹਨੂੰ ਖੜਦਾ ਨੀ ਕੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਲੈਕਚਰ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨੀ ਹੁੰਦਾ ਰਾਮ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਝਾਕੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਲੈ ਆਇਆ ਨੀ ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਝਾਕੀਆਂ ਲੈ ਆਉਣਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੈ ਚੱਲਾਂਗੇ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਇਹ ਵੀ ਲੈ ਚੱਲਾਂਗੇ ਰਵਿਦਾਸ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਉਸਦਾ ਫਿਰ ਝਾਕੀਆਂ ਚਲੀ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਤੂੰ ਝਾਕੀ ਲੈ ਕਿਹੜੇ ਪਿਓ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੈ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਛੋਟਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੀ ਤਾਂ ਮਰ ਜੂਗੀ ਛੋਲਿਆਂ ਚ ਤੇ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਰਨੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਡੇ ਵੱਜਣਗੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਪੱਕੇ ਆ ਜਿਹਦੀ ਪੂਛ ਵੰਡ ਗਏ ਨਾ ਛੱਡਦੇ ਨੀ ਪਵਾਂ ਕਹਿੰਦਾ 32 ਦੇ 32 ਦੰਦ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪੂਛ ਨਾ ਚੱਟੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਾਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਕੁਛ ਨੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਟੱਪ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਟੱਪ ਜੂਗਾ ਐ ਨੀ ਵੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਾਹਾਂ ਚ ਆਓ ਨਾ ਜੇ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਵਿਗੜਾ ਵਿਗੜਨਾ ਨੀ ਸੀਗਾ ਜਿਵੇਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੋਲੂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਕੰਮ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਕੰਨੀ ਹਿੱਲ ਗਈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਤ ਹੈ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਦਿਓ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੜਾ ਥੋੜਾ ਛਡਾਉਣਾ ਆ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਭੂਤਾਂ ਵੜ ਬਣ ਕੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਚ ਕੱਢ ਲੈਣਗੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੁੱਧ ਵੇਚਦਾ ਨਾ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਿਆਉਣਾ ਪਊਗਾ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ 8 ਕਿੱਲੇ ਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਛੱਡ ਸਾਰੀ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ ਹਾਂ ਜੇ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡੀਏ ਸਾਹਿਬ ਬਿਠਾ ਲਿਓ ਅੱਜ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਚਲੋ ਜਾਂਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਲਾਣਾ ਜਾਂਦਾ ਧਮਕਾ ਜਾਂਦਾ ਧਮਕੇ ਅਮਕੇ ਨੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖੀਆਂ ਪਈਆਂ ਆ 2000 ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕੀ ਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਤੀ ਲੋਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਚ ਮਰ ਗਏ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚ ਪਏ ਬੁੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚ ਲਾਹ ਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਨੀ ਚੱਲਦਾ ਬੱਸਾਂ ਨੋਟ ਬਾਈ ਥੱਲੇ ਉੱਤਰ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਾ ਕੇ ਵੀ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਏਡਾ ਕੱਲਾ ਪਿਆ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨੀ ਆਉਂਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈਂ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਨੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਡਬਲੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਵਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਚੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਚਲੋ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਹ ਨੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕਰੋ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੋ ਫਿਰ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਓ ਸੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਰੇ ਕਾ ਜਵਾਬ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਮੇ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਅਬ ਮੈਂ ਸਾਥੀ ਹਮਾਰੇ ਬੀਚ ਆਏ ਹੈ ਜ਼ੋਰਕਿਆਂ ਸੇ ਭਾਈ ਵਿਕਰਮ ਨੈਣ ਉਨਸੇ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਭਾਈ ਵਿਕਰਮ ਨੈਣ
उसके बाद भाई अवतार किसान एकता। ठंडा ठंडा ना बोलो, थोड़ा सो टाइम बोलांगा, थोड़ा जोश में। किसान एकता, किसान एकता। देखो बेहतर बेहतर दिन हो गया दिल्ली में धरना चलता, बड़े जोश और जज्बा में बैठे हैं। अपना जगह योद्धा है पंजाब का ले लो, हरियाणा का ले लो, और आपने हनुमानगढ़ गंगानगर को भी बैठा पहले दिन नाम गुंजन ला रहे, तो वो यही कौन गुंजन ला रहे हो। पर जो संघर्ष आप ला रहे हैं छोटे लेवल पर करना रहे, जब आज वो इतने बड़े लेवल पर पहुंच गयो, और बिंग में आप अपनी भूमिका निभाई, भले छोटी निभाई बड़ी निभाई, पर छोटी को नहीं। आप जगह भी एडा प्रोग्राम होया है, मैं बढ़ चढ़ के भाग लियो है। ई खातर आज हनुमानगढ़ गंगानगर वो नाम जो है वो दिल्ली गमा पंजाब हरियाणा के सागे बोली जाए। जे थे सोशल मीडिया चलाओ ना सुने तो बता दो, जितनी बारी जिक्रो आयो है हनुमानगढ़ गंगानगर सारू आगे राजस्थान में रे है। बिंगो कारण के है जब तो वो धरना चल है या जिकी डिमांड है या जिका बिल है ए मंडी ने इफेक्ट ज्यादा करे, तो आपने मंडी को प्रभाव ज्यादा है बीकर के आपने आंदोलन ज्यादा है, और आगे राजस्थान में उड़ जा बटे मंडी को प्रभाव कम है तो बटे कम है। और अब धीरे धीरे लोग जागरण आ गया, जयपुर में भी बहुत तकड़ी रैली निकली है, बारह में निकली है, बूंदी में निकली है, अलग अलग राजस्थान के जिला में भी अब क्रांति शुरू हो गई है। और इस चीज को प्रभाव हुई है भी आपा भी देख लियो, पहला जब भेड़ा होता कोई 100-200 होता, आज 500,000 लोगों ला गया। जितनी बारी ट्रैक्टर रैली निकाली अपने हनुमानगढ़ में तो मेरे ख्याल में ऐतिहासिक रैलियां निकली है, भले कोई एक संगठन निकाली और भले चार संगठन मिल के निकाली। तो अब आप करना के ये भी सारा बढ़ चढ़ के आप दिल्ली जाने खातर भी तैयारी करनी है, भी खातर गांव में अपनी कमेटियां बना लियो और कमेटियां बिंगो फंड की व्यवस्था कर दे। तो ज्यादा लंबी चौड़ी बात ना करते हुए टाइम मेरे ख्याल में पूरा हो गया अपने धरने को। तो देखो चक्का जाम है, चक्का जाम आपको बताना चाहेंगे, चक्का जाम किसानों के द्वारा अब जो है 3 बज चुके हैं और चक्का जाम किसानों ने समाप्त कर दिया है। डबली टोल नाका हनुमानगढ़ जंक्शन से आप क्लब न्यूज से लाइव जुड़े हुए थे, और जैसे 3 बजे का समय हुआ है अब जो है चक्का जाम किसानों ने चक्का जाम को समाप्त कर दिया है और वाहनों को अब जाने आने के लिए दिया जा रहा है। सारे साथी 10 से 12 बजे के बीच में डबली में मानव श्रृंखला बनाएंगे, और बड़े अड्डे से लेके छोटे अड्डे तक ग्रामवासियों ने जो ये योजना बनाई है इसमें सारे किसान भाई पहुंचे, और 8 तारीख को श्री गुरु नानक सिंह जी चढ़ोनी हमारे बीच आएंगे दान मंडी में। और अब मैं सब साथियों का धन्यवाद करना चाहूंगा। ये चक्का जाम अब खोल दिया गया है, डबली टोल नाके से चक्का जाम को जो किसानों ने किया हुआ था उसको खोल दिया गया है, और आपको बताएं कि 12 से 3 बजे तक का समय रखा गया था और इस चक्का जाम के अंदर ये चक्का जाम को अब समाप्त कर दिया गया और वाहनों को आने जाने के लिए खोल दिया गया है। और सारे भरावां नूं बेनती की जाती है भी आने वाली 8 तरीक नूं जिहड़ा आपां प्रोग्राम भारतीय किसान यूनियन दे आगू नेता सरदार गुरनाम सिंह जी चढ़ूनी आने वाली 8 तरीक नूं 10 बजे हनुमानगढ़ दाणा मंडी विच पहुंच रहे हैं। सारे पिंडां वाले वीरां नूं बेनती की जाती है भी वध तों वध संख्या 10 बजे पहुंच के किसान अंदोलन नूं सफल बनायो, और सारे ही इलाका निवासियों का सारिआं दा धन्नवाद जिन्हां ने इत्थे चक्का जाम लाउण दे विच आपदा भरपूर सहयोग दित्ता। किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। आज दा चक्का जाम कह जा रहा तुसीं दसो पहलां जी। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान से जिहड़ा चक्का जाम करे बहुत सफल रहा है, और जिहड़े साडे हनुमानगढ़ विधानसभा जां आसे पासे दे समस्त इलाके वासियों ने बड़ा सहयोग करे और बहुत ही मैं उन्हां दा धन्नवादी हाँ। मोदी वापस दवा के हटा फिर चक्का 8 तरीक गुरु नानक सिंह चढ़ूनी वाले तैयारी की है थोड़ा जा तैयारी है जी। इतो 40-45 टिकट जान गए गड्डिया हो 30-35 ਗੱਡੀਆਂ
ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ। 2-8 ਤਰੀਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਡੂਨੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਬੈਠੇ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਪਾਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਜੀ, ਮੌਜਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਆ ਜੀ। ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਕੀ ਤਿਆਰੀ 8 ਤਰੀਕ ਦੀ? ਸਾਡੀ ਫੁੱਲ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਡਟ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪੂਰਾ ਚੰਡੂੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਹਿਮ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਤੇਰਾ ਵਹਿਮ ਹੈ, ਜੁੱਤੀ ਸਾਡੀ ਕੈਮ ਹੈ, ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੜੇ, ਇਹ ਵੀ ਧਰਨੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਹਾਲ ਚਾਲ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਿਹਤ ਪਾਣੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ। ਸਾਡਾ ਸਿਹਤ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬ੍ਰੈਡ ਖਵਾਏ ਹੈ, ਚਾਹ ਪਈ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਰੀ ਸੰਘਾ 'ਚ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੈ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ, ਅੱਜ ਜੀ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਧਰਨਾ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਔਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਜੋ ਕਾਲ ਸੀਗੀ ਵੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਟੀਚਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡਬਲੀ ਟੋਲ ਨਾਕੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਏਮ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅਣਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਤਮਾਮ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਵਪਾਰੀ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਟੂਲ ਨਾਕੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਔਰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਾਪੂ ਹੋਰ ਖੜੇ ਹੈ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਜੋ ਬਗ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਨੇ ਠੀਕ ਰੱਖ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹਲ ਵਗਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਅਸੀਂ ਛੱਡਣੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਗਰਵਾਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਗ੍ਰੰਥਵਾਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਲਾਣੇ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਭੜੂਜੇ ਕਦੋਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਲ ਜੋੜਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਭੈਣ ਚੋਦਾ ਟਿੱਬੇ ਕਿਰਾ ਕਿਰਾ ਕੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮੋਦੀ ਮੋਰੇ ਕਰੂਗਾ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਸਾਡੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਰਹੂਗੀ, ਮੋਦੀਆਂ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਹੀ ਪਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਲੇ ਬਾਲੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਬਾਲੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ, ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰਾਂ ਧਰਨੇ ਦੇ ਬੈਠੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਹਾਂ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਸਿਹਤ ਪਾਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ? ਵਧੀਆ ਜੀ ਸਿਹਤ ਪਾਣੀ, ਹਾਂਜੀ ਚਾਹੋਗੇ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਘਰੇ, ਜਦੋਂ ਮਨਾ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਿਨ ਹਟਣਗੇ ਆਏ ਹੁਣ, ਜਮਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਲੱਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਅੜੀ ਫੜ ਰੱਖੀਏ, ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਜੀ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਆ, ਮਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਦੱਸ ਜੀ ਤਾਂ ਲੱਗੂ ਹੀ, ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਨੂੰ ਆਪੇ ਜੀ ਲੱਗਿਆ, ਬਸ ਜੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਵਧੀਆ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ 4-5 ਵਾਰ ਕਵਰਿੰਗ ਕਰਨ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਅੱਡਾ ਹੀ ਪੱਕਾ ਹੀ ਅੱਡਾ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪੱਕਾ ਲਾਇਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਬੋਲੇ ਮੋਦੀ ਤੇ ਬਾਹਲੇ ਗਰਮ ਹੋਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਕਰੇ ਬਈ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੋਦੀ ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ ਬੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤਰ ਸਿਖਾਓ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਘਰੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਦੇ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਘਰ ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਆ, ਉਹੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ, ਉਹੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਉਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਤੇਰੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੇਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਤੇਰੀ ਸੋਭਾ ਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ। ਤੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਮੋਦੀ ਦੇ, ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਿੱਖ ਭਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਵੇਦਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ, ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਲਾਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਡਬਲੀ ਟੋਲ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਹੈ ਕਵਿਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਭਾਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲਾਸਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣੀਏ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੇ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਨਾ ਹੋਏ ਜਿਉਂਦੇ ਮੋ ਜਾਂਗੇ, ਜੇ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਨਾ ਹੋਏ ਜਿਉਂਦੇ ਮੋ ਜਾਂਗੇ,
अपने खेतों के विच नौकर हो जाएंगे, अपने खेतों के विच नौकर हो जाएंगे। करनी पई गुलामी चुप कर बह गए जे, करनी पऊ गुलामी चुप कर बह गए जे, कख नी पले रहना जमीना लै गए जे। बाबे नानक जी दे नाते लंगर चलदे ने थां थां ते, बाबे नानक जी दे नाते लंगर चलदे ने थां थां ते। सिंह आउंदे वारां गाउंदे, योधे आउंदे जकारे लाउंदे, ए अग तो तत्ते ने इन्हां मूरे कीने पाले, तेरी हिक ते नचदे ने दिल्लीए वेख ट्रालियां वाले, तेरी हिक ते नचदे ने दिल्लीए वेख ट्रालियां वाले, तेरी हिक ते नचदे ने। बले सौ निहाल। तो ये तुम डबली तो टोल नाके तो जुड़े हुए थे, कल मनोई तो लाइव प्रोग्राम देख रहे थे, लाइव टैलीक्रास देख रहे थे। इत्थे कविता दे राही गीता दे राही बहुत ही चंगे तरह इन्होंने 3 घंटे तक चक्का जाम करिया, शांतिपूर्वक चक्का जाम रहा। और किसानों ने यही कहा कि 8 तरीक नूं फिर असीं जुड़ांगे, तान मंडी में जुड़ांगे, तान मंडी हनुमानगढ़ जंक्शन। तैनूं दसना चाहूँगा कि गुरनाम सिंह चडूनी जिहड़े किसान नेता है, हरियाणा तो नेता है, वह दिल्ली तो विशेष रूप से पुज रहे हैं। 8 तरीक नूं तान मंडी जंक्शन में सभा करनगे, आह्वान करनगे दिल्ली नूं होर किसानों नूं लिजाण वास्ते आ रहे हैं। हुण तुसीं इत्थे ही और फिर अगे किसानों के असीं फिर दोबारा जावांगे, फिर जुड़ांगे और तुहानू लाइव टैलीकास्ट कलम न्यूज़ तरफों फिर दिखावांगे। गुरदेव सिंह सैणी दी नमस्कार।